देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले थे और ओम प्रकाश भी मंत्री बनने वाले थे, अब शायद न बन पाए। इस पे आपको क्या कहना है? क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना है, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा? जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं? मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठो, कहीं करेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए। लोगों का मानना है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव एनडीए कैंडिडेट कैसे हार गए, क्या कारण था आपके हिसाब से? देखिए, पहला तो नंबर एक बसपा का चुनाव न लड़ना था। घोसी में गाड़ियों में पैसे ले लेकर के सपाई लोग बांटते फिरे, हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई, ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ।